Students, today we will learn electricity and circuits, that is chapter 12 of your book. In this chapter, first we will know what is electricity, है ना? Electricity क्या है? तो electricity का हम लोग बहुत जगह electricity का use देखते हैं. तो electricity ये है क्या? What is electricity? तो electricity, it is the form of energy which is very convenient and can be converted into many other forms. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक वैसा फॉर्म है जो कि हम लोग को यूज करने में काफी आसान है. और क्या है, इसको हम लोग बहुत सारे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. जैसे हम लोग फैन चलाते हैं तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में घूमने लगता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं? लाइट भी जला लेते हैं. लाइट जलाते हैं, नहीं जलाते? और उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग साउंड बॉक्स यूज करते हैं तो उसमें भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या चीज हो रहा है, उससे साउंड भी निकल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग बहुत सारे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद में अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है किस तरह से फ्लो करेगा, है ना, किस तरह से फ्लो करेगा. तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या होता है, एक सर्किट होता है. अब ये सर्किट क्या होता है, तो जिस तरह से वाटर का करंट होता है, पानी बहता है ना, पानी फ्लो करता है कि नहीं फ्लो करता है, नदी में? यस सर. तो उसमें एनर्जी होता है. ठीक है, तो उसी तरह से विंड का भी करंट होता है. विंड फ्लो करता है. Yes, sir, तो विंड का भी करंट होता है. उसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, करंट होता है. ठीक है ना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, अब ये करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए, है ना, क्या चाहिए, एक पाथ. ठीक है, तो जिस पाथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट. हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सर्किट को? We will define the circuit as the path through which electric current flow is called electric circuit. है ना? इसको electric circuit का figure हम लोग अपने book का 12.6 है ना, 12.6 का figure है, उसमें हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो जिस path में electric current flow करता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हम लोग का प्रोड्यूस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तब हम लोग को मिलता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो होता है किस तरह से होता है, ये बहुत सारे मेथड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो डैम वगैरह का पानी से होता है, जनरेट किया जाता है वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद में थर्मल पावर स्टेशन, है ना, यहाँ पे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स है कोल को बर्न के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है. उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आजकल सोलर एनर्जी से, है ना, मतलब जो सन का जो एनर्जी है उसको भी हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सोलर प्लेट का हम लोग देखें रूफ वगैरह में लगा रहता है, उससे क्या होता है, हम लोग बल्ब या फिर ट्यूबलाइट चला सकते हैं. ठीक है, तो सोलर एनर्जी को भी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सबसे जो छोटा डिवाइस है हमारे पास में, जो हम लोग घर में यूज कर सकते हैं, वो क्या है, सेल, है ना, क्या है, सेल, जो हम लोग क्या चीज में, टॉर्च में यूज करते हैं. ठीक है ना, पेंसिल बैटरी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारा चीज यूज करते हैं. यस सर. या फिर घर में हम लोग का जो एक इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी होता है. ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को बिजली कट जाता है तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना. तो सेल, ठीक है, तो सेल क्या होता है, इट इज द डिवाइस दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, है ना. तो सेल क्या होता है कि एक डिवाइस है, छोटा डिवाइस है, जिसमें कि अंदर में क्या होता है, केमिकल्स होता है, और उससे क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल. ठीक है, तो सेल इट इज द डिवाइस दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट. ठीक है, सेल सबको देखा है, देखा सर.
जो तो लोग टॉर्च वगैरह में यूज करता है और भी दूसरा चीज के लिए यूज करता है, ठीक है। पियानो वगैरह में भी आता है, जो गेम्स वाला सर टॉयज में भी आता है, टॉयज में भी आता है, ठीक है, रिमोट में भी आता है। तो उसमें आप ये जो सेल होता है, वो जो सेल होता है उसमें कितना टर्मिनल होता है? उसमें दो टर्मिनल होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। जनरली जो हमारा सेल होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे नीचे होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल के सामने प्लस का साइन, अब ये जो सर्किट होता है तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, चूंकि ये एनर्जी है ना, तो एनर्जी को क्या करना है हम लोग को, ये हो जाता है मतलब यूज नहीं करना है ना, मतलब कि बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्विच यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं? स्विच। तो स्विच क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को क्या करता है? रुकता। या तो उसको बंद रखता है और नहीं तो उसको चालू करता है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम लोग इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द सर्किट, है ना। तो स्विच क्या है? ये एक डिवाइस है जो सर्किट को, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है? या तो कंप्लीट करता है और नहीं तो ब्रेक करता है। मतलब जब ब्रेक होगा तब हम लोग उसको ओपन बनेंगे, तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब वो क्लोज करेंगे, ठीक है ना, या फिर सर्किट कंप्लीट होगा तब क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से हमारा स्विच का काम है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको क्या करना? ओपन या फिर क्लोज करना, ठीक है। ओके।